नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति तक, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन के लिए आखिरी तारीख 8 अक्टूबर को तय की गई है। आज 7 अक्टूबर है, सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन बक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है और ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी इस वक्त क्या मंथन कर रही है, क्योंकि बीजेपी की परंपरागत सीट है और इस बार भी बीजेपी के खाते में ही बक्सर की सीट है। गुप्तेश्वर पांडे के नाम को लेकर सबसे ज़्यादा हलचल तेज़ है, चर्चाएं सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं कि बीजेपी की तरफ से गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर से टिकट दिया जा रहा है। लेकिन जेडीयू में गुप्तेश्वर पांडे हैं, सीट बीजेपी के खाते में है और अगर ऐसे में बीजेपी अगर गुप्तेश्वर पांडे को टिकट दे देती है तो संगठन में बवाल हो सकता है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि इस चुनावी मौसम में किसी भी तरीके से बगावत कार्यकर्ता करे, क्योंकि जनता पर इसका सीधा असर होगा। हालांकि खबर दूसरी ये भी आ रही है कि बक्सर और ब्रह्मपुर सीट को लेकर बीजेपी कंफ्यूज है। क्या बीजेपी ब्रह्मपुर से गुप्तेश्वर पांडे को उतार सकती है? तो मेरा मानना है कि ऐसा बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि ब्रह्मपुर का सीट बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाशपति मिश्र की बहू दिलमणि देवी के पास है और अगर बीजेपी कैलाशपति से सीधे टक्कर लेगी तो ये भी बहुत दिक्कत वाली बात होगी और इसका खामियाजा भी इस चुनावी मौसम में बीजेपी को, खासतौर पर एनडीए को उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मपुर का सीट गुप्तेश्वर पांडे को जा सकता है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बीजेपी की परंपरागत सीट है, पिछले बार के नतीजों को अगर देखा जाए तो पिछले बार के नतीजों के हिसाब से 5000 वोट से यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हारे थे, तो ऐसे में बहुत चांस है कि इस बार बीजेपी के कैंडिडेट को जीत मिले। अब दूसरी तरफ बात यह भी है कि बक्सर जो है वो ब्राह्मण बहुल इलाका है, अगर गुप्तेश्वर पांडे को टिकट दिया जाता है तो इसका फ़ायदा एनडीए को मिल सकता है, लेकिन संगठन में जो बवाल होगा उस बवाल को बीजेपी कैसे कंट्रोल करेगी, क्योंकि अगर बीजेपी के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी इतनी मजबूर है कि उसे जेडीयू के कैंडिडेट को टिकट देना पड़ रहा है, तो इसका असर भी जनता पर गलत जाएगा और संगठन में खासतौर पर इसका गलत मैसेज जाएगा। अब लोजपा और वीआईपी की भी नज़र सीट पर बनी हुई है, बक्सर की सीट पर बनी हुई है। देखिए, अगर चिराग पासवान, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो इस बार जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, तो ऐसे में जेडीयू के अगर कैंडिडेट वहाँ पर होते हैं तो लोजपा की तरफ से कैंडिडेट उतारा जा सकता है और अगर बहुत कंफ्यूजन होता है तो इस बीच वीआईपी के चांसेस भी बनते हैं कि वीआईपी के खाते में ये सीट चली जाए। खबर जो एक और सामने आ रही है कि जिला निर्वाचन कार्यालय से 17 पर्चे खरीदे गए हैं और इसमें गुप्तेश्वर पांडे भी पहुंचे हुए थे। इन पर्चों में से एक पर्चा गुप्तेश्वर पांडे का भी है, लेकिन ये पर्चा कहाँ से भरा जाता है इसका इंतज़ार सबको है, सिर्फ एक दिन का समय बचा है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी तरीके की हलचल और अफवाह पर आप विश्वास ना करें, आप इंतज़ार करें, सिर्फ एक दिन का समय बचा है और ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी की एक खासियत भी मानी जाती है कि जो लोग सोचते हैं, जो लोग नामों पर आकलन करते हैं, जो नाम मार्केट में चलते हैं, उन नामों से अलग भी बीजेपी एक नाम लेकर आ जाती है और ज़्यादातर चुनावों में बीजेपी की इस खासियत का फ़ायदा बीजेपी को मिला भी है। तो ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे के नाम को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं अब तक, वो कितनी सटीक हैं इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि तस्वीरें साफ हो जाएंगी क्योंकि सिर्फ एक दिन का समय बचा है, तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि क्या गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होंगे या फिर कोई पैराशूट कैंडिडेट यहां पर बीजेपी की तरफ से दिखाई दे सकता है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन बिहार चुनाव की बाकी के अपडेट के लिए आप राजनीति तक के साथ जुड़े रहिए।